विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियां युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही हैं और इस दौरान कई नेताओं का दल बदल भी देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी तेज है। बता दें कि इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एमवीए में सीट बंटवारे पर भी करीब करीब बात बनती हुई नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिसके बाद मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर करीब करीब सहमति बनती हुई दिख रही है। प्रस्तावित फार्मूले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 15, कांग्रेस को 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी SCP और बाकी साथियों को 7 सीटें आवंटित की गई हैं। यह पूरा का पूरा बंटवारा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट पर ही रखा गया है। इसमें एमवीए ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इन लोकसभा सीटों से संबंधित 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीतने वाली पार्टियां 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब बची हुई 3 सीटों की बात करें तो इस पर बंटवारे के लिए यह फार्मूला अपनाया गया है। इसमें से 2 सीटें एमवीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और 1 तीसरी सहयोगी पार्टी को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की है उन पर एमवीए सेम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला अपनाएगा। इसमें दूसरे सबसे ज्यादा वोट आने वाली पार्टी को सीटों का बड़ा हिस्सा मिलेगा। एमवीए के एक नेता ने कहा है कि हमने जो लोकसभा सीटें जीती हैं उनके लिए हम 3, 2 और 1 के फार्मूले को अपनाएंगे। जीतने वाली पार्टी को 3 या 4 सीटें मिलेंगी और बाकी सीटें ताकत के आधार पर दी जाएंगी। इस फार्मूले को तीनों पार्टियों के नेता ने मंजूरी दे दी है। खबरों की माने तो नेता ने कहा है कि शिवसेना एमवीए के अंदर मुंबई में सबसे ज़्यादा संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं और संगठन भी काफ़ी मजबूत है। हाल के लोकसभा इलेक्शन के आधार पर मुंबई शहर और उपनगरों में 36 विधानसभा सीटों में से 20 पर एमवीए आगे है। वहीं 2019 के विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो शिवसेना ने BJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर जीत हासिल की। NCP ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो केवल 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। और समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि यह अब एमवीए का हिस्सा है। ठाकरे ने राहुल और खड़गे से मुलाकात की। लोकसभा इलेक्शन के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा कांग्रेस के विशाल पाटिल के लिए सांगली सीट छोड़ने से मना करने के बाद एमवीए सीट बंटवारे में अड़चन पैदा हुई। हालांकि पाटिल ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। इस बार किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए एमवीए ने सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की है। वहीं चुनावी पंडितों की माने तो सीट बंटवारे पर सही बातचीत आगे बढ़ सके इसके लिए ठाकरे ने दिल्ली का दौरा भी किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की है। तीनों पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं के बारे में यह मैसेज दे रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर चिंता ना करें और जीत की संभावना ही सभी के लिए एक है। सभी नेता इस बात को दोहरा रहे हैं कि टिकट चाहे किसी भी पार्टी को मिले, बाकी 2 यह तय करने के लिए काम करना होगा कि एमवीए सत्ता में आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे की गणित में कौन बाजी मारता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।